हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशुतोष और आज टॉपिक है अदर वेज टू से हैप्पी होली। तो दोस्तों, होली बहुत पास है, हमेशा कहते हैं हैप्पी होली, वही घिसा पिटा मैसेज। तो आज मैं आपको कुछ अलग अलग फ्रेजेस बताऊंगा जो आप बोल सकते हो हैप्पी होली के बदले, जो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बहुत लोगों को बहुत ईजिली सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या SMS या अपने मुंह से भी। और इन सब में से कुछ इनफॉर्मल भी हैं और कुछ फॉर्मल, तो मैं उनको क्लियर कर दूंगा वीडियोस के अंदर। और इसमें कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हो इस फ्रेजेस में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस लेसन में आपको कई सारे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइस, आवर फर्स्ट फ्रेज इज मे द कलर्स ऑफ होली ब्रिंग जॉय टू योर फैमिली। इसका मतलब ये है, जो कलर्स हैं होली के, वो आपके परिवार को खुशियों से भर दे, ठीक है? इस फ्रेज का ये मतलब है। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज होप द कलर्स ऑफ योर लाइफ गेट्स पेंटेड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स। हैप्पी होली। आप जानते हो कि कैनवस का मतलब होता है जो सरफेस जिस पे हम पेंट करते हैं, वो वही हम बात कर रहे हैं इसमें। कैनवस का मतलब है जो हमारी लाइफ है उस पे हम लोग कुछ अच्छे चित्रकारी करेंगे, यानी वी विल मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल विद द कलर्स ऑफ होली। इसका मतलब मैं बता देता हूँ उसको पूरे हिंदी में। हम चाहते हैं कि आपके परिवार को, सभी को, जो कैनवस होता है लाइफ का, वो बिल्कुल अच्छे रंगों से भर दे ये होली। हैप्पी होली, ठीक है? आवर नेक्स्ट फ्रेज इज विशिंग यू अ होली फुल ऑफ फन एंड जॉय। इसका मतलब बहुत ईजी है कि है, मैं आपको विश कर रहा हूँ, जैसे आई एम विशिंग टू समवन लाइक विशिंग यू अ होली फुल ऑफ फन एंड जॉय। इसका मतलब है मैं तुम्हें होली की शुभकामनाएं देता हूँ जो कि खुशियाँ और फन से भर भर रहेगा, ठीक है? और नेक्स्ट फ्रेज इज ब्राइट कलर्स, वाटर बलून्स एंड मेलोडियस सॉन्ग्स आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ परफेक्ट होली। विश यू अ वंडरफुल होली। इसका मतलब ये है कि जो कलर्स हैं, वाटर बलून्स हैं और जो बहुत ही ये बड़े जो गाने होते हैं होली के, वो सब बिल्कुल अच्छे हैं, यानी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं होली को स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है? सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज लेट द कलर्स ऑफ होली स्प्रेड गेयटी, पीस एंड लव ऑल अराउंड। इसमें गेयटी का मतलब होता है खुशियाँ, यानी ये होली के जो कलर्स हैं आपके परिवार में खुशियाँ, शांति और प्यार भर देगा। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज लेट दिस होली टेक अवे ऑल योर वरीज एंड फिल योर लाइफ विथ हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है कि ये जो होली है आपके सभी टेंशन्स को दूर ले जाए और आपके परिवार में हैप्पीनेस भर दे, ठीक है? आवर नेक्स्ट फ्रेज इज लीड लॉट्स ऑफ विशेज फॉर होली फ्रॉम माई फैमिली टू योर्स। इसका मतलब है, लॉर्ड्स का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे विशेज फॉर होली फ्रॉम माई फैमिली टू योर्स। इसका मतलब है मेरे परिवार से तुम्हारे परिवार को बहुत बढ़िया बधाइयाँ होली की। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ड्रिंच ऑल योर लव्ड वंस विथ वाटर एंड द फैबुलस कलर्स ऑफ होली। यहाँ ड्रिंच का मतलब होता है जो रंग होता है जो पानी में मिक्स होता है, वो आप सभी पर फेंक कर होली को सेलिब्रेट करोगे। और वही हम इसमें बोल रहे हैं, ये होली के बढ़िया रंगों को छिड़क कर सभी के ऊपर। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट एज वेल। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच, एंड वंस अगेन वेरी Happy Holi in advance.